नजर इस खास खबर। लेखक बसंत कुमार की पुस्तक अंबेडकर के सपनों का भारत का हुआ लोकार्पण। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद रियाज की एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत सरकार के पूर्व मंत्री, संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉ सत्य नारायण जटिया व भाजपा के राष्ट्रीय संगठक श्री प्रशांत अरोड़ा जी ने प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लेखक बसंत कुमार द्वारा लिखित व प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर के सपनों का भारत का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लेखक बसंत कुमार ने राष्ट्र निर्माण में डॉ अंबेडकर के योगदान का वर्णन करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि महात्मा गांधी जब कई अवसरों पर ये कहा था कि जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री एक दलित होगा तो मैं समझ लूंगा कि देश से छुआछूत समाप्त हो जाएगा। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री के रूप में अंबेडकर जी के रूप में एक ऐसा विकल्प मौजूद था जो दलित था। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त था, अर्थशास्त्र में कई शोध किए थे और वाइस राय काउंसिल के श्रम सदस्य के रूप में श्रम सुधारों पर अनेक फैसले लिए थे। पर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय प्रधानमंत्री नेहरू जी को चुना। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर एक समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। बसंत कुमार ने इस बात पर चिंता व्यक्त की आज के नेता अपने फायदे के लिए अंबेडकर की नाम की माला जरूर जपते हैं पर अंबेडकर की सोच को न तो अपने जीवन में अपनाते हैं न लोगों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं। इस कार्यक्रम में उनके गृह जनपद जौनपुर और संघ की युवा कार्यकर्ताओं ने अच्छी संख्या में भाग लिया। बसंत कुमार ने इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए पद्म विभूषण डॉ बिंदेश्वर पाठक को याद किया। पुस्तक है अंबेडकर के सपनों का भारत, तो आज का कार्यक्रम उसका लोकार्पण करने के लिए हुआ है। अब इसको आप पूछेंगे भाई इसको लिखने की क्या क्या ज़रूरत है, हम अंबेडकर पे हज़ारों किताबें आ गई हैं। तो मैं बताऊं कि मेरी पिछली पुस्तक एक साल पहले लोकार्पण हुआ था, वो था अंबेडकर और राष्ट्रवाद। तो उसमें अतिथि के रूप में सुलभ के जो संस्थापक थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने बात छेड़ी जो बहस कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर क्या होती। तो जब मैंने पूछा उनसे, काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि एक नया इशू था, जब भी उस पर बात नहीं हुई थी, तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों कह दिया, तो कहते देखो ऐसा है कि गांधी जी ने हरिजन अखबार जो निकालते तो उसमें कई बार कहा था कि जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित तो होगा तो मुझे यह समझ में आ जाएगा, मैं ये समझ लूँगा कि अब देश में छुआछूत ख़त्म हो जाएगा। अब ये बात हुई जब देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें कई लोगों के नाम आ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आ रहा था, पटेल साहब का आ रहा था, कई नाम चल रहे थे। तो उसमें ये बात हुई कि एक आदमी जो दलित भी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD है, उसके पहले वाइसराय काउंसिल का मेंबर रहा है, लेबर जो कि मिनिस्टर माने जाते थे, जब इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी था तो गांधी जी ने उस समय रेडीमेड ऑप्शन क्यों नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो पहली बात जो आज रिजर्वेशन का झगड़ा हो रहा है ये नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि रिजर्वेशन सिंपली 10 साल के लिए होना चाहिए, उसके बाद इतना डेवलपमेंट हो किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसको लिखने में करीब 8-9 महीने का टाइम लगा और इसमें मेन जो खास बातें ये है कि कृषि कैसी हो उस पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जो वो कैसे डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, विदेश नीति क्या हो उस पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, और आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस पर क्या है, लेबर नीति क्या है। तो हर टॉपिक्स पे जो उनके विचार हैं उनको दिया गया है कि जिससे आगे वाली आने पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिल सके कि ऐसे एक सुदृढ़ इंडिया बन सकता है। ये इसमें दो राय नहीं है कि अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों को भ्रमित भी बहुत कुछ बहुतों के माध्यम से किया जाता है। तो जैसे कि लेखक जी ने आपको, बसंत जी ने आपको बताया कि इसमें वो किस तरीके से उन्होंने भारत के बारे में एक चित्रण किया है कि अगर अंबेडकर जी अगर प्रधानमंत्री होते या फिर और कुछ भी अच्छा हुआ और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो इस हिसाब से इस बुक के माध्यम से नौजवानों को ये चीज़ जानकारी ज़रूर मिलेगी कि क्या उनके सपने थे, क्या उनका सोच था। जैसे उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोग हम युवाओं को जानने की आवश्यकता, तो वो सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। सर, जिस तरह जो राजनीति की जाती है अम्बेडकर जी को लेकर, क्या ये बुक पढ़ने से वो बहुत बिल्कुल देखिए, अब आप जब तक किसी चीज़ को जानेंगे नहीं
अन्यथा लेंगे बातों को तो आपके मन में बहुत सारे के सवाल और जवाब आएंगे। तो इस तरीके के जो लेखक हैं जिन्होंने इतने रिसर्च किया है इस बुक्स के ऊपर, हमें ज़रूरी है कि हम उसको पढ़े जाने और जो भी आपके अंदर सवाल है, जो इस तरीके की बातें आपके अंदर जो उठ कर आती है, वो बातों का समाधान मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका एक उचित उदाहरण आपको मिले और वो पुस्तक के माध्यम से आपको मिलेगा।